नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल की नॉइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा को लेकर। रिलायंस इंफ्रा में जो बहुत बड़ा अपडेट आया है, आगे देखेंगे कि स्टॉक पे क्या हो सकता है। बट अगर देखेंगे तो जो अपडेट आया है रिलायंस इंफ्रा का, उसके चलते हो सकता है स्टॉक पे थोड़ा ही गिरावट देखने को मिले। जरूर आगे यहाँ पे देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है, कोशिश करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पे बने रहिए ताकि कि आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल बुकिंग से या फिर आप स्टॉक से, उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देके रखा है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उसका अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो है दूसरा भी एक यूट्यूब चैनल शुरू किया हम लोगों ने स्टॉक स्टडी के नाम से, उसका भी लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वो भी एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी बहुत जल्दी हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बात। रिलायंस इंफ्रा दोस्तों, हम लोग को पता है कि एडीजी ग्रुप का एक स्टॉक है, और अगर एडीजी ग्रुप के हम लोग स्टॉक्स देखेंगे, रिलायंस नेवल हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अभी पेनी स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है या फिर पेनी स्टॉक्स के नीचे ट्रेड हो रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो पेनी स्टॉक्स है, अभी पेनी स्टॉक में है और 2-2.5 रुपया उसका प्राइस चल रहा है। उसके बाद रिलायंस पावर जो है वो भी पेनी स्टॉक में चल रहा है, रिलायंस नेवल जो है वो भी पेनी स्टॉक में चल रहा है, रिलायंस कैपिटल जो है वो पेनी स्टॉक फिलहाल नहीं बोल सकते हम लोग उसको, उसका प्राइस आप देखेंगे तो वो पेनी स्टॉक पे नहीं आता है। तो यहाँ पे अभी रिलायंस इंफ्रा भी है जो एडीजी ग्रुप का स्टॉक है, रिलायंस इंफ्रा भी जो है पेनी स्टॉक में नहीं है, अच्छा खासा इसका प्राइस चल रहा है और बहुत जबरदस्त जो स्टॉक ने रिटर्न भी दिया है कुछ महीने के अंदर। तो अभी यहाँ पे ऐसे कुछ अपडेट्स आए हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, जिसके चलते स्टॉक में देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड क्या आ सकता है। उससे पहले एक बार हम लोग ये स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, जैसे 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 33.90 पैसा, और 6 महीने के अंदर ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 25 रुपीज, एंड 1 मंथ के अंदर स्टॉक में 21.60% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 डेज में जो है यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। 1 डे का देखते हैं तो स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा खासा मजबूती बनता दिखा है। और अगर एक दिन पहले का हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्टॉक का ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। स्टॉक ओपन हुआ था 30.70 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 31.25 पैसे का, लो प्राइस दिया है 29.30 पैसे का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फिलहाल अभी क्या करना चाहिए स्टॉक पे, तो फिलहाल जो हमारा एक ओवरव्यू है उसके चलते अगर देखेंगे तो खरीदारी फिलहाल अभी नया फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, कुछ दिन के लिए आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको बाई करना है तो इसमें बाई कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाय इसमें नहीं करना चाहिए, या फिर किसी ने का स्टॉक लेके रखा है तो होल्ड करना चाहिए। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, जरूरी नहीं कि उसी में आपको जो भी हम लोग टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस देते हैं उसी में आपको खरीदारी स्टॉक में करना चाहिए, सेल करना चाहिए, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी तक दोस्तों आप लोगों ने जितने भी स्टॉक का अपडेट आपके साथ शेयर किया है, टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट सब हिट हुआ है। तो अभी यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आया है रिलायंस इंफ्रा को लेके। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं आपके साथ जो है अच्छे खासे स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट करेंगे आप ही हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा के बारे में क्या अपडेट निकल के आया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द अनिल अंबानी, तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडीजी ग्रुप का एक कंपनी है उसके बारे में जो यहाँ पे अपडेट आया है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द एडीजी कंपनी फेस्ड ए डबल सेटबैक फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन जनवरी 19। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट से जो है जनवरी 19 को रिलायंस इंफ्रा को लेके जो है अपडेट आया है। द कंपनी वॉज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम सेलिंग इट्स स्टेक इन BSES यमुना एंड राजधानी। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पता है कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था रिलायंस इंफ्रा का जो है स्टेक बेचने के लिए BSES यमुना एंड राजधानी को, वो जो है फिलहाल होल्ड पे रखा जाएगा शायद से। वाइल ऑल्सो बींग बार्ड फ्रॉम सिक्योरिंग ड्यूज ऑफ ₹995 करोड़ क्लेम बाय शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप आर इंफ्रा एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू offload its debt is targeting to sell the stake in BSES Yamuna and Rajdhani Power Distribution Company DISCOM in Delhi. तो रिलायंस इंफ्रा जो कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन आया था जहाँ पे रिलायंस इंफ्रा से बताया गया था कि बहुत ही जल्दी जो है रिलायंस इंफ्रा को डेप्ट फ्री किया जाएगा, और ये आपने बहुत जो एडीजी कंपनी से
जैसे बहुत सारी कंपनीज को एडीजे के कंपनीज को लेके आया था, जहाँ पे बताया गया था कि डेप्थ भी किया जाएगा, तो रिलायंस इंफ्रा को लेके भी ऐसा ही अपडेट आया था। उसी के चलते रिलायंस इंफ्रा के जो एसेट्स है वो मोनिटाइज करने के बाद तो जो उनका डेप्थ है वो क्लियर करने का बातचीत चल रहा था। और उसमें देखेंगे तो उसी के चलते जो है रिलायंस इंफ्रा से जो स्टेक्स है वो सेल करने का कोशिश कर रहा था बीएससीएस यमुना एंड राजधानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम को दिल्ली में, बट वो भी अभी जो शायद से होल लग सकता है उसमें। एज पर द कोर्ट ऑर्डर द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम कंप्लीटिंग द सेल ऑफ स्टेक्स, तो यहाँ पे ये अपडेट आया है। द कोर्ट ऑल्सो रिपोर्टेडली डायरेक्टली directed our infra to not to secure the disputed dues of ₹995। तो यहाँ पर जो अभी कहा है जो कोर्ट से कहा गया दिल्ली कोर्ट से रिलायंस इंफ्रा के बारे में, not to secure the disputed dues of ₹995 crore, ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है रिलायंस इंफ्रा को लेके। उसके बाद देखेंगे तो द शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप इज करंटली लॉक्ड एन आर्बिट्रेशन विथ रिलायंस इंफ्रा ओवर द ड्यूज। एज पर द कोर्ट ऑर्डर रिलायंस इंफ्रा इज ऑल्सो बर्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एलिनेटिंग और क्रिएटिंग encumbrances on any and all of company's assets। तो रिलायंस इंफ्रा जो है अभी फिलहाल रिलायंस इंफ्रा को बार किया गया है कुछ भी जो कंपनीज के एसेट्स है वो बेचने के लिए। रिलायंस इंफ्रा व्हिच इज सिटिंग ऑन अ डेब्ट ऑफ ₹6,000 crore, तो टिल मिड 2020 रिलायंस इंफ्रा जिसका अगर हम लोग डेब्ट देखते हैं मिड 2020 तक का वो है लगभग 6,000 crore के आसपास। इज वर्किंग टूवर्ड्स मोनिटाइजिंग इट्स एसेट्स, तो यहाँ पे जो है रिलायंस इंफ्रा उसके 6,000 crore ड्यूज है या फिर डेब्ट है वो चुकाने के लिए अपना एसेट मोनिटाइज करने के पीछे काम कर रहे हैं। एट द कंपनीज एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑन द June 23rd लास्ट ईयर अनिल अंबानी हैड सेड द डेब्ट्स वुड बी क्लियर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो June 23rd को 2020 में जो मीटिंग हुआ था शेयर होल्डर मीटिंग हुआ था एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में बताया गया था अनिल अंबानी जी की ओर से जो एडीजी ग्रुप के ओनर है कि 2021 फाइनेंशियल ईयर तक रिलायंस इंफ्रा को जो है जो भी ड्यूज है वो फ्री कर दिया जाएगा, मतलब डेब्ट फ्री कर दिया जाएगा। इन द पास्ट वीक रिलायंस इंफ्रा हैड सक्सीडेड इन राइजिंग ₹9,000 crore बाय सेलिंग ऑफ इट्स एंटायर 74% स्टेक इन प्रभावती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड PKTCL के नाम पे जो आता है टू इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। तो इसका पहले जो है लास्ट वीक को रिलायंस इंफ्रा ने ये तो हम लोग को पता है कि 9000 करोड़ में जो 74% स्टेक बेचा था, तो अभी यहाँ पे दोस्तों रिलायंस इंफ्रा को जो है फिलहाल थोड़ा सा हो सकता है कि रुकना पड़े जो भी उसका एसेट मोनेटाइजेशन का लेके चल रहा था उसके चलते, तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा को जो है थोड़ा सा इसमें रुकना पड़ सकता है। अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, तो फिलहाल दोस्तों अभी रिलायंस इंफ्रा में हो सकता है थोड़ा समय के लिए स्टॉक में डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखे। तो यहाँ पे अगर कोई फ्रेश बाय करते हैं तो फिलहाल यहाँ पे जो बिल्कुल भी फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस इंफ्रा को लेकर जो अपडेट आया है छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके सबको शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।